बड़ी कामयाबी मिली है। हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर हुआ है, तो जम्मू कश्मीर का ये कुलगाम इलाका सुरक्षा के लिहाज से काफी संवेदनशील है। यहाँ पर एक आतंकी मारा गया है, सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। जो जानकारी मिली है कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी ढेर हुआ है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है कि क्या कुछ और आतंकी भी शामिल हो सकते हैं। वहीं ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने यह दावा किया है कि यूक्रेन ने डॉनबास में हथियारों की भारी किल्लत की बात कबूल कर ली है। एक रोज पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ये मान चुके हैं कि डॉनबास में उनकी सेना की हालत बेहद खराब है और उनके पास रूसी सेना से मुकाबले के लिए हथियारों का टोटा पड़ गया है, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना कमजोर हो गई है और पुतिन की फौज उन पर हावी होती जा रही है। हालांकि जंग के पहले ही दिन से नेटो देश यूक्रेन के साथ खड़े हैं। रूस की सेना से दो दो हाथ करने के लिए यूक्रेन को घातक और ताकतवर हथियारों की सप्लाई भी कर रहे हैं। दावा तो ये तक है कि नेटो से मिले हथियारों के दम पर ही यूक्रेन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत रूस के सामने इतने दिनों से खड़ा है। 24 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी, तब से पुतिन का सैन्य अभियान थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस का दावा है कि मारियोपोल शहर को जीतने के बाद उसकी सेना पूरे डॉनबास पर कब्जा जमाने वाली है। मतलब ये कि यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में आ जाएगा।